अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे अमायरलस लिली प्लांट पे। ये एक बल्ब वाला प्लांट होता है, बल्ब के ज़रिए ग्रो किया जाता है। बस इसका एक दफ़ा कहीं से बल्ब आप परचेज कर लें या कहीं देखें तो किसी से ले लें, किसी रिलेटिव्स के पास है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी इसके इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे से फूल देखने में। ये बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स वाला प्लांट है और पूरे गार्डन में जब ये प्लांट खिलता है तो गार्डन की लुक ही कुछ और नज़र आ रही होती है। माशाल्लाह साइज़ में भी अपनी मिसाल आप है ये प्लांट फ्लावर। और एक दफ़ा लगाने के बाद ये बहुत इजीली बल्ब से बल्ब बनते रहते हैं और आप इनको प्रोपोगेट कर करके तो जैसे मर्ज़ी, एक से जितने मर्ज़ी चाहे प्लांट बना लें। लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बना के डाला था और आज ये फ्लावर खिले हुए थे तो मैं ख़ुद को रोक नहीं पाई। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये दोनों फ्लावर खिले हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि माशाल्लाह कितने प्यारे और कितनी खूबसूरती है इसके फ्लावर में और इसकी अपनी ही एक दिलकशी है। इसको लगाने के लिए आप सैंडी सॉइल यूज़ करें या भल वाली मिट्टी ले लें। भल वाली मिट्टी में ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ही अच्छा चलता है। आप इसको ख़त्म होने का या बल्ब के गलने का या प्लांट के मरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भल वाली मिट्टी में ग्रो करें तो माशाल्लाह ये देखें रिज़ल्ट फिर आपके सामने है और कितना अच्छा ये चल रहा है। और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस मिट्टी सूखे तो आप इसमें पानी डाल दें। और मेरे इस प्लांट में ये देखें नीचे चंगेरी प्लांट कितना सारा उगा हुआ है, तो मैं अब इसको नीचे से साफ़ करके गुड़ाई करके तो फर्टिलाइज वगैरह करना चाह रही थी, बट मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो इसको डालती रहती हूँ और DAP के चंद दाने डाल देती हूँ। बस यही मेरे इस प्लांट की खुराक है। और जिस लोकेशन पे मैंने इस प्लांट को रखा हुआ है या आप रखेंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की धूप आए। अप्रैल के एंड तक तो आप इसको 5-6 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। उसके बाद जब गर्मी ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाए, तो इसको सुबह की 2-3 घंटे की जो सनलाइट है वो इनफ है। उसमें ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता रहता है और बहुत खूबसूरत लगता है। बल्ब में से लीव्स निकलते रहते हैं और जब इसका सीज़न आता है फ्लावरिंग का, फ्लावरिंग सीज़न अमायरलिस लिली के जो हैं वो मार्च अप्रैल है, इसके बाद ये सितंबर अक्टूबर में जाके फ्लावरिंग फिर करते हैं। तो क्योंकि ये सूटेबल मौसम होते हैं प्लांट्स के लिए, इन दोनों मौसमों में अपनी ग्रोथ भी बढ़ाते हैं प्लांट और प्लांट से प्लांट बनते हैं मज़ीद। तो इन्हीं मौसमों में आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो अगर चाहें तो इस तरह से इन बल्ब्स को हम अलग अलग पॉट्स में लगा के तो एक से बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और लिली फैमिलीज़ के जितने भी प्लांट हैं इन पे कोई भी स्पाइडर माइट्स या कोई भी पेस्ट पेस्ट वगैरह देखने में नहीं आते, बट ये प्लांट जब भी ख़त्म होते हैं ये ओवर वाटरिंग से ख़त्म होते हैं। तो इसलिए जब भी आप देखें कि प्लांट की मिट्टी खुश्क हो रही है तो पानी दें, अदरवाइज़ आप इनको पानी ना दें। और फिर देखें कि
एकदम से सरप्राइज तौर पे ये समझ आता है कि बल्ब के सेंटर में से स्टॉक निकल रहा है और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ये इतने खूबसूरत से फ्लावर बनके तो हमारे सामने आ जाते हैं। ये दो फूल खिले हुए हैं और दो मजीद बर्ड हैं इस पे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो जब ये चारों फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, इनका लाइफ टाइम जो है पूरा हो जाएगा, तो इस स्टॉक को हमने यहाँ से स्टार्ट में से कट कर देना है ताकि प्लांट जो है वो मजीद फ्लावरिंग के लिए अपनी एनर्जी सर्व करे और अच्छी से अच्छी ग्रोथ हो। मेरा जो प्लांट है ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी बाउंड हो रहा है ये इस वाले पॉट में। तो अब मैं इस वेट में हूँ कि ये मेरे फ्लावर्स खिल जाएं अच्छी तरह से, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इस पॉट को ओपन करूँगी, डिवाइड करूँगी बल्ब्स को और शेयर करूँगी आपके साथ। और मेरा ये वाला प्लांट जो है ये गर्मी सर्दी इसी जगह पे पड़ा रहता है ना, मैंने इसको कभी उस इनके साइड पे रखा है स्पेशली उस साइड पे ले जाके नेट के नीचे, गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से सिर्फ इसके ऊपर नेट लग जाती है। तो तकरीबन समर सीज़न में 10-10:30 बजे तक इस पर छांव आ जाती है और विंटर सीज़न में ये होता है कि यहीं पड़े पड़े प्लांट के जो शदीद ठंड की वजह से लीव्स हैं ये जैसे टेंडर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ चीज़ गल रही होती है, तो उन लीव्स को फिर मैं इनके स्टार्ट में से यूँ निकाल देती हूँ एक एक करके। तो माशाल्लाह ये प्लांट बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और अमायरलिस लिली की जो बल्ब्स हैं ये आई थिंक हैं भी काफ़ी एक्सपेंसिव। मैंने कुछ बल्ब्स परचेज किए थे लास्ट 2 मंथ हो गए हैं, तो इसका मैंने पता किया कि इसकी प्राइस वगैरह किया क्या है, तो इसकी प्राइस जो उन्होंने बताई यकीन मानिए इंसान के होश ठिकाने आ जाते हैं, 985 का एक बल्ब। तो क्यों ना एक दफ़ा जब हम ले लें तो कुछ इस तरीके से अपने प्लांट्स को संभालें, उनकी केयर करें कि बार बार हमें ये प्लांट्स परचेज ना करने पड़ें, बल्कि एक से हम मज़ीद प्रोपोगेट कर करके तो बहुत से प्लांट्स तैयार कर लें अपने पास। और ये वाला मेरा ट्यूबरोज का प्लांट है जिस पे मैंने समर में लास्ट समर में वीडियो बना के डाला था, मेरा ये प्लांट ख़त्म हो रहा था तो मैंने इनको असली तस्कीन इंसान को फिर ही मिलती है कि जब अपने हाथ से प्लांट ग्रो करें और उस पर फ्लावर्स देखने को मिलें। आर्टिफिशियल तो लेने को हर कोई लेके रख सकता है, मेरे पास वाइट कलर के हैं आर्टिफिशियल, चलिए मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये है जी आर्टिफिशियल अमायरलिस लिली के प्लांट फ्लावर्स, है ना कितनी मुशाबहत इसमें। तो देखा आपने कितना सेम है ये आर्टिफिशियल वाले भी और दूसरे भी। तो बट जो यानी कि ओरिजिनल प्लांट्स हैं वो मेरे पास जस्ट रेड कलर में है, वाइट नहीं है। और ट्यूबरोज जो है ये वाइट में है। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।